हेलो एंड वेलकम टू एग्री मंत्रा। मैं हूँ यशी मिश्रा। एज प्रॉमिस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 100% इस यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसीलिए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे आज से। सो मेक श्योर यू डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर रिलेटिंग टू दिस यूनिट। बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं तीन चीज़ें, यानी कि फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। बट आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इससे हमारे मैथ्स क्वेश्चंस भी डिराइव होते हैं। तो इसीलिए हम आज इससे स्टार्ट करेंगे और बाकी तीन रिलेशनशिप्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जो हमारा ये लॉ है, ये एक्चुअली में फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप का ही पार्ट है। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप एज द नेम सजेस्ट, यानी कि फैक्टर विच इज़ इनपुट एंड प्रोडक्ट विच इज़ आउटपुट, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, हम इसकी स्टडी करते हैं। इसको हम बेसिकली दिखाते हैं एज y इज फंक्शन ऑफ x, x बीइंग इनपुट एंड y इज आउटपुट। अब जब हम इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो वी मेक श्योर, हमें पता है कोई भी आउटपुट को डिराइव करने के लिए केवल एक इनपुट नहीं लगता है। हम मान लें आपने सीड बोई, उसको सो किया, तो हमें पता है कि प्लांट होंगे, कुछ ना कुछ यील्ड आएगी, तो हम बोल देते हैं कि नहीं उससे तो आ जा रहा है मामला। पर ऐसा नहीं है। अगर हमें ऑप्टिमम यील्ड चाहिए, अच्छी यील्ड चाहिए, तो हम उसके लिए और इनपुट्स भी अप्लाई करते हैं, केवल सीड डाल के ज़मीन पर छोड़ नहीं देते हैं। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है उससे यील्ड। बट अगर हम उसके साथ अदर फैक्टर्स विच कैन बी फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, हम उसका प्रॉपर टिलेज करें, अगर हम उसको पेस्ट एंड डिजीजेस से सेव करते हैं, अगर हम उसको वाटर लॉगिंग एंड ड्रॉट से सेव करते हैं, तो सारे ये इनपुट अप्लाई करने पर हमारा यील्ड में इंक्रीज होता है। तो हमें पता है डिपेंड तो बहुत सी चीज़ों पे करता है, बट हम लॉ में जनरली बाकी सबको कॉन्स्टेंट लेकर और केवल एक ही इनपुट को वेरिएबल मान के चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम किसी इनपुट एक्स में कोई इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे वाई में क्या चेंज आ रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे दिस लॉ इज़ ऑल बेस्ड अबाउट कि एक इनपुट में चेंज करने पर आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर थ्री हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन्ड हैं, टीपीपी, एपीपी और एमपीपी। इनके बीच में ही रिलेशन हम इस्टेब्लिश करते हैं इस लॉ में, तो हम जान लेंगे कि ये तीन जो हमारे रिलेशंस हैं ये क्या एग्जैक्टली होते हैं। सबसे पहले वी हैव टीपीपी, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हमने वाई से दिखाया है। ये हमें बताता है कि एक्चुअली में क्वांटिटी वाइज आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या डिराइव हुआ है। जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको उसकी वैल्यू में, उसकी मॉनिटरी टर्म्स में उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको नेशनल इनकम में भी बताया था कि वी मेक श्योर कि यानी कि जैसे आपके पास किसी चीज़ की 10 क्विंटल आपके पास टोटल प्रोड्यूस हुआ है, तो हम उसको 10 क्विंटल में बताने की जगह हम उसको उसके जो पर क्विंटल उसका प्राइस होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम उसको मॉनिटरी टर्म में बताते हैं। बट जब तक हम उसकी क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी क्विंटल्स में बात कर रहे हैं, तब तक वो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा, जिसको हमने यहाँ वाई से दिखाया है। देन वी हैव एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज़ आपका टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये बताता है कि आपने जो टोटल इनपुट अप्लाई किया है उससे टोटल आउटपुट का क्या रिलेशन है। जैसे कि हमने कहा कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा 10 क्विंटल है, मान लीजिए उसको लेने के लिए आपने 5 किलो सीड अप्लाई किया है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमें एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से पता चलेगा। एंड फाइनली वी हैव मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ये बताता है कि अगर हम एक्स में, यानी कि इनपुट में, एक यूनिट का चेंज करते हैं तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जैसा कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है, विच मीन्स चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। नाउ दैट वी नो कि इन थ्री टर्म्स के क्या मतलब होते हैं, तो हम इनको फर्दर लॉ में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वील मेक श्योर कि हमें पता हो कि ये लॉ एक्चुअली में स्टेट क्या करता है। सो वील बिगिन विद डेफिनेशन।
डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दी हुई है, आप कहीं भी जाएंगे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। सो रादर देन जस्ट रीडिंग दिस डेफिनेशन, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप इसको खुद पढ़ के फिर समझ सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स ये लॉ ये स्टेट करता है कि जब हम कोई भी इनपुट इंक्रीज करते हैं, एज वी नो नाउ कि हम इस लॉ में बात कर रहे हैं एक इनपुट बाकी सारे इनपुट्स को कांस्टेंट लेकर के, उसमें होने वाले चेंजेस का आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, करेक्ट। तो ये लॉ ये स्टेट करता है कि अगर हम एक इनपुट को इंक्रीज करते हैं तो पहले हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, हम उसको और इंक्रीज करते हैं अगर इनपुट को तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट से, देन हम इनपुट को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन देयर विल कम अ टाइम जब हमारा टोटल आउटपुट जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को अचीव कर लेगा, एंड उसके बाद अगर हम इनपुट को बढ़ाते हैं तो वो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम ओवरऑल प्रोडक्शन में हमारे ऑब्वियसली कई सारे इनपुट होते हैं, बट हम बात करते हैं चलिए फर्टिलाइज़र की। तो पहले जब आप फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, जब हम फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमारा यील्ड इंक्रीज़ होगा, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट ऐड कर रहा है, हमें पता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, और हमें ये भी पता है कि जो हमारी क्रॉप होती है हम उसके स्पेसिफिक ही फर्टिलाइज़र लेते भी हैं, कि उनको स्पेसिफिक जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हम वही देने की कोशिश भी करते हैं, करेक्ट। तो पहले जब आप फर्टिलाइज़र बढ़ाएंगे तो यील्ड इंक्रीज होगा, देन आप और बढ़ाएंगे यील्ड और इंक्रीज होगा, देन आप और बढ़ाएंगे तो यील्ड हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो सकता है, देन और ज़्यादा बढ़ाने पर यील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एंड ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमें केवल यही कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें यह भी पता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी से भी प्लांट को प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर आपको प्लांट्स में किसी ना किसी तरीके का डिसऑर्डर देगी और जिसकी वजह से आपकी यील्ड डिक्रीज होगी। अब फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल आपने बहुत जगह सुना होगा, इस बार बात करते हैं इरीगेशन की। इरीगेशन मान लीजिए किसी क्रॉप को 5 to 6 इरीगेशन की ज़रूरत है, तो जब आप 3 इरीगेशन देंगे, मान लीजिए वो 3 में सर्वाइव कर लेता है, जब आप 3 इरीगेशन देंगे तो यील्ड थोड़ी बढ़ेगी, 4 देंगे यील्ड बढ़ेगी, 5 देंगे यील्ड बढ़ेगी, 6 उसकी लिमिट है, 5 to 6 इरीगेशन उसको चाहिए तो 6 उसकी लिमिट है, 6 इरीगेशन देंगे यील्ड बढ़ेगी, बट आप उसके बाद इरीगेशन देंगे यील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सेस पानी दे रहे हैं तो आप उसके बाद वाटर लॉगिंग कर देंगे। अगर कोई डिसऑर्डर नहीं भी होता है तो भी वी नो वाटर लॉगिंग में ये सिचुएशन होती है जिसमें आपके सारे एयर पोर्स जो हैं सॉइल के वो भर जाते हैं, तो प्लांट को फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ेगा, एंड एज वी नो ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं भी होती है उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स की या कोई टॉक्सिसिटी नहीं भी होती है तो वो ऑक्सीजन की कमी से प्लांट मर जाएगा, तो हमें टोटल और जो हमारा यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी इनपुट एक्सेसिवली जब हम सेचुरेशन पॉइंट के बाद भी इंक्रीज करते हैं तो यील्ड इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि आउटपुट विच कैन नॉट बी जस्ट इन एग्रीकल्चर टर्म्स। दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के बाद हमें जो है जो मार्जिनल आउटपुट ज़्यादा कि हम उम्मीद करते हैं कि हम बढ़ाएंगे हमें और आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि यहाँ इस एग्जांपल में भी दिया हुआ है, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है और टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है और लेबर को इनपुट माना गया है, तो जब लेबर है वो 0 है तो टोटल आउटपुट हमारा 0 है, जो हमने एक लेबर लगाया तो टोटल आउटपुट हमें 20 का मिला और मार्जिनल भी उतना ही रहेगा। जब हमने 2 लगाए लेबर तो उसके बाद हमें टोटल प्रोडक्ट 50 का मिला, मार्जिनल यानी कि टोटल में जो पहले वाला था और जो नेक्स्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, दैट इज 30। अब आप लगातार देख रहे हैं, 3 लेबर लगाने पे टोटल आउटपुट हमें 75 का मिल रहा है, 4 लगाने पे टोटल आउटपुट 95 का मिल रहा है, 5 लगाने पे टोटल आउटपुट 15 का मिल रहा है। अब हमने देखा कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हुआ, देन उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है,
अप टू पॉइंट जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पहुंच जाता है, जिस केस में हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। ये हमें याद रखना है। मैंने ये एग्जांपल इंक्लूड भी इसीलिए किया है ताकि आप यहाँ पे ये समझ पाएं, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो अचीव कर लेता है उस केस में टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पर होता है। ऐसा क्यों है? मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है बट टीपीपी इंक्रीज हो रहा है, तो वी हैव टू गेट दिस कि वो घटने के बावजूद भी, देखिए आप टोटल प्रोडक्ट में भी देख पा रहे होंगे, जब तक वो 120 होता है तब तक एक लगातार इंक्रीज है हमारा टोटल प्रोडक्ट में, 125 एक्चुअली। उसके बाद वो हमारा डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। जब डिक्रीज भी करेगा उसके बावजूद भी टोटल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो है ही, ओवरऑल तो वो ऐड होगा ही। जिस रेट से इंक्रीज़ कर रहा था अब उस रेट से नहीं इंक्रीज़ कर रहा है, पहले 30 के डिफरेंस से बढ़ रहा था, देन 25 के डिफरेंस से बढ़ रहा था, देन 20, 15, 10 एंड 5 उतना इंक्रीज़ नहीं है जितना पहले था, बट फिर भी ओवरऑल कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ है ना। जब तक कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो जाता है तब तक TPP इंक्रीज़ होता रहता है, और उसके ज़ीरो हो जाने पर TPP अपने मैक्सिमम लिमिट में होता है। वी हैव टू रिमेंबर दिस। एंड उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाने लगता है तो हमारा TPP डिक्रीज करने लगता है, जैसा कि आप लास्ट दो केसेस में देख रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा अभी पूरे डेफिनेशन में, हमने यही बताया कि हमारा इनपुट और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया हमने। अब उसी चीज़ को हम ग्राफ में देखेंगे। इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि x एक्सिस पे हमारे पास टोटल इनपुट है, y एक्सिस में हमारे पास टोटल आउटपुट है, यानी कि इनपुट को लगातार बढ़ाने पर आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप पहले देखते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है बहुत तेज़ी से, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। देन एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये याद रखना है कि एक पॉइंट आएगा विच इज़ पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है। इट कुड गो दिस वे, बट ये ऐसे जाने की जगह ये ग्राफ हमारा कर्वेचर जो है इसका चेंज हो गया, अब ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। तो इंक्रीज अभी भी है यील्ड में, बट उतना नहीं है, उस रेट से नहीं है। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम यील्ड अटेन करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न है, सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट से था, देन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज है विच इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम यील्ड अटेन करने के बावजूद भी अगर हम बढ़ा रहे हैं इनपुट तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। दैट इज़ ये रीज़न है ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो हमने TPP समझ लिया कि उसमें कैसे चेंज आते हैं इनपुट इंक्रीज करने पर। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन TPP एंड MPP। एज वी नो MPP इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि अगर हम सिंगुलर यूनिट से एक एक करके इनपुट को बढ़ाते हैं तो क्या चेंज आता है आउटपुट में, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी देखा था। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल जो हमने इस टेबल में देखा उसमें भी यही दिखाया था कि जो हमारा लेबर है विच इज इनपुट, इसको हम 1-1 यूनिट करके इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्जिनल और टोटल में क्या क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि अगर हम इनपुट को एक एक करके बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट में क्या क्या चेंज आता है। और TPP हमें पता ही है, दैट इज़ डिनोटेड बाय वाई, मतलब कि ओवरऑल आउटपुट हमारा कैसा है। आप यहाँ ग्राफ में देख रहे होंगे 3 स्टेजेस दी गई हैं, स्टेज 1, 2, एंड 3। ये हमें माइंड में रखना है क्योंकि आगे चल के जो हमारे ये तीन चीज़ें होती हैं TPP, APP और MPP, इन्हीं के बीच में जो रिलेशन होते हैं उससे हमारे 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं MPP ग्राफ और TPP ग्राफ किस तरीके से रिलेट करते हैं। स्टेज फर्स्ट में हम देखते हैं कि MPP ग्राफ जो है वो अपने हाईएस्ट को अचीव कर रहा है, और वो जो हाईएस्ट जहाँ पर जाकर के TPP कर्व को काटता है उसे हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही मिलेगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट TPP कर्व में बनता है, MPP कर्व में नहीं बनता है, और ये MPP कर्व अपने हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर लेता है जब, तभी ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा TPP कर्व में आएगा। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? आप देख रहे होंगे कि कर्वेचर चेंज हो जा रहा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट आने के बावजूद,
जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि हमारा पॉइंट है जहाँ से डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होंगे, यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा और यहाँ के बाद इट इज़ कॉन्केव डाउनवर्ड्स, यहाँ से ये इंक्रीज करेगा। आप देख रहे होंगे ओवरऑल इंक्रीज है हमारा टीपीपी ग्राफ में, बट पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, देन ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, जब तक कि ये अपने फाइनल जो सेटिस्फैक्शन पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, उसको अचीव नहीं कर लेता। एंड वी कैन सी कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही अपने मैक्सिमम को अचीव करने के बाद लगातार नीचे गिर रहा है। ये उस स्टेज तक नीचे गिरेगा जब तक कि ये ज़ीरो नहीं हो जाता, और ये ज़ीरो हो जाने के बाद हम ऊपर देख रहे हैं जहाँ पर ये ज़ीरो होगा दैट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पीपीपी, जो हम पिछले एग्जांपल्स में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद एमपीपी हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, और जब एमपीपी नेगेटिव में जाएगा तब टीपीपी कर्व में हम डाउनफॉल देखते हैं। सो यू कैन सी उसके बाद टीपीपी हमारा डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट। तो ये दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी हैं। सबसे पहले टीपीपी इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज करता है विद डिक्रीजिंग रेट, एंड देन डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट। तो ये हमें याद रखना है। मूविंग ऑन, अब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन एपीपी एंड एमपीपी। तो आप अपने ग्राफ में देख पा रहे होंगे ये हमारा एपी कर्व है और ये हमारा एमपी कर्व है। एज यू कैन सी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी। ये ग्राफ जहाँ पे हमारा एच पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा एमपी का ग्राफ है, ये एच पॉइंट इसका हाईएस्ट है, जो कि टीपी कर्व में इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनाएगा, जो कि हमने पिछले रिलेशन में पढ़ा था। ये ज़्यादा है एपी से, तो एमपी ज़्यादा है एपी से, जिस केस में इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। देन हमारा एक पॉइंट आता है ई, ये ई पॉइंट है जहाँ पर एम पी इज इक्वल टू ए पी पी। आप देख रहे होंगे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन, एंड देन उसके बाद दोनों ग्राफ नीचे जा रहे हैं। और जब दोनों ग्राफ नीचे जा रहे हैं तब ए पी ग्राफ ऊपर है और एम पी नीचे है, विच मीन्स एम पी इज लेस देन ए पी, जिस केस में इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। एंड देन एम पी जो है हमारा जीरो को अटेन कर लेता है, उस केस में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इन रिलेशंस को और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज हमें दी गई है। आप ये देख रहे हैं कि एपीपी कर्व जो है वो इंक्रीज कर रहा है थ्रू आउट फर्स्ट स्टेज, देन उसके बाद फर्स्ट स्टेज के एंड में वो अपने हाईएस्ट पॉइंट को अटेन करता है। जब एमपीपी और एपीपी इंटरसेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर स्पॉट पर एपीपी हाईएस्ट पॉइंट पर होता है अपने, उसके बाद एपीपी नीचे गिरना शुरू कर जाता है। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेज में ये लगातार नीचे गिर रहा होता है, बट वी हैव टू सी दिस कि एपीपी कभी भी ज़ीरो को टच नहीं करता, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट तो हमारा नेगेटिव होगा बट एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारे हमने इलास्टिसिटी पढ़े, ये रिलेशन स्टैब्लिश करे, इससे आपने ये समझा होगा जब एम पी पी इज इक्वल टू ए पी पी एंड इलास्टिसिटी इज़ वन, यानी कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी वन है। जब एम पी पी इज़ ज़ीरो तो इलास्टिसिटी इज़ ज़ीरो, यानी कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ज़ीरो है, विच मीन्स सेकेंड स्टेज में इलास्टिसिटी ज़ीरो से वन के बीच में लाई करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं चलता है कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है फर्स्ट स्टेज में, लेस देन वन है सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में लेस देन जीरो है। केवल इतना ध्यान रख नहीं रखना है, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि इलास्टिसिटी ज़ीरो टू वन के बीच में है। मूविंग ऑन, हमने इलास्टिसिटी की बात करी, तो अब हम इलास्टिसिटी को कैसे निकालते हैं और ये हम रिलेशंस कैसे पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसी के लिए अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। हम पहले ही अपने रिलेशंस टीपीपी, एमपीपी, एपीपी के बीच में पढ़ चुके हैं, तो आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब हम फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसे हम इरेशनल जोन कहते हैं, आप देख रहे होंगे आपका इसमें टीपीपी इंक्रीज़ हो रहा है, एमपीपी इंक्रीज़ हो गया और उसके बाद डिक्रीज़ भी शुरू हो गया, और एपीपी इंक्रीज़ हो रहा है। ये तीन चीज़ें हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हो रही हैं। जब टीपीपी इंक्रीज़ भी हो रहा है तब फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही उसने इंक्रीजिंग रेट भी अटेन किया और वो डिक्रीजिंग रेट पर भी चला गया, तो हमें ये भी पता है। नाउ दैट वी नो
कि हमारा टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ओवरऑल जो है सब बढ़िया है इसमें। तो इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। बट फिर भी हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में MPP जो है फिक्स्ड फैक्टर के लिए इट इज़ नेगेटिव। तो जो बेसिक कॉज कभी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में सब कुछ पॉजिटिव होने की वजह से भी, मतलब कि सब कुछ पॉजिटिव है, हमारा ये ऑप्टिमम जोन होना चाहिए प्रोडक्शन का, फिर भी हम इसे नहीं लेते हैं, क्योंकि जो MPP है वो नेगेटिव है फिक्स्ड फैक्टर के लिए। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करते हैं तो वी मेक श्योर कि हम यहाँ पर केवल इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। हमारा जो मेन एम होता है वो हम लीस्ट कॉस्ट लगा करके या लीस्ट इनपुट लगा करके हम ऑप्टिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। एक्चुअली में हम चीज़ों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं रादर देन इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्शन। आई होप आप ये पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो ये इस स्टेज में नहीं होता है। जब MPP फिक्स फैक्टर का जीरो हो जा रहा है तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन हमारा नहीं चल रहा है। साथ ही में ये स्टेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ का होता है, तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को रैशनल जोन कहा गया है। आप देख रहे हैं इसमें TPP इंक्रीज़ हो रहा है, जिसपे के बाद वो अपना मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर रहा है। MPP डिक्रीज़ हो रहा है और APP भी डिक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 है और एंड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 0 है। एज आई सेड, इसकी इलास्टिसिटी 0 to 1 के बीच रेंज करेगी थ्रू आउट सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में इट वॉज ग्रेटर देन 1, बट सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में इट विल बी फ्रॉम 0 to 1। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछता है बाई द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। या आपसे पूछता है एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या स्टार्ट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ये कुछ चीज़ें दिमाग में बहुत क्लियर रखनी है, वरना आप क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो हम सेकेंड स्टेज में देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और अपने हाईएस्ट को अटेन भी कर रहा है। यहाँ पे इलास्टिसिटी भी स्टेबल है हमारा, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन का जोन है, इसीलिए इसको हम रैशनल जोन कहते हैं। वी मेक श्योर कि हम यहीं पर अपना प्रोडक्शन दें। अब आते हैं थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अगेन हमारा इरैशनल जोन है। यहाँ पे TPP भी गिर रहा है, MPP नीचे जा चुका है नेगेटिव में, APP भी गिर रहा है। जब सब गिर ही रहा है, हमें टोटल प्रोडक्शन सही मिल ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ क्यों प्रोडक्शन लेंगे? इसीलिए ये भी हमारा इरैशनल जोन हो जाता है। बट जो बेसिक फीचर है थर्ड स्टेज का, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेज के लिए बताया था कि MPP ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव, वैसे ही थर्ड स्टेज ऑफ के लिए MPP ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज नेगेटिव। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि थर्ड स्टेज हमारा इरैशनल जोन क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स का MPP नेगेटिव होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हमने जान लिया तीन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उनमें से सेकेंड स्टेज बेस्ट होता है, और इलास्टिसिटी किस स्टेज पे किस पॉइंट पर कितनी होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने जो चीज़ें अब तक पढ़ी, जो चीज़ें हमने डिराइव करी, अब हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। टोटल प्रोडक्ट में बताता है कि फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग रेट से देन डिक्रीजिंग रेट से। सेकेंड स्टेज में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से जब तक मैक्सिमम को अटेन नहीं कर लेता, और थर्ड स्टेज में डिक्रीज हो रहा है। ये तीन चीज़ें दिमाग में रखकर हम दोबारा ग्राफ देखते हैं इसका। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेज में पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। सेकेंड स्टेज में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, अपने मैक्सिमम पॉइंट को अटेन कर रहा है, देन थर्ड स्टेज में डिक्रीज हो रहा है। मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे कि MPP में क्या अंतर आता है। फर्स्ट स्टेज में MPP इंक्रीज हो रहा है पहले, देन अपने मैक्सिमम को अटेन कर रहा है, देन डिक्रीज कर रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही MPP इंक्रीज भी हुआ, मैक्सिमम भी अटेन किया और डिक्रीज भी होना शुरू कर दिया। सेकेंड स्टेज में थ्रू आउट ये डिक्रीज होता रहेगा, एंड सेकेंड स्टेज के एंड में ये जीरो हो जाएगा, एंड उसके बाद थर्ड स्टेज में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको ग्राफ में एक बार फिर से। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है फर्स्ट स्टेज में ही। तो ये इंक्रीज हुआ,
इसने अपना मैक्सिमम अटेन किया और डिक्रीज करना शुरू कर दिया। थ्रू आउट सेकेंड स्टेज डिक्रीज कर रहा है, सेकेंड स्टेज के एंड में जीरो हो गया एंड थ्रू आउट थर्ड स्टेज अब ये नेगेटिव में चलेगा। अब हम देखेंगे कि एपीपी में क्या अंतर आता है। एपीपी में फर्स्ट स्टेज में पहले इंक्रीज कर रहा है, देन इंक्रीज करता रहेगा जब तक कि ये मैक्सिमम नहीं हो जाता। तो हम बाकी दोनों के कंपैरिजन में ये देख पा रहे हैं कि एपीपी में लगातार राइज है और मैक्सिमम पॉइंट भी वो अपना फर्स्ट स्टेज के एंड में ही अचीव कर ले रहा है, जबकि मार्जिनल बढ़ के पॉजिटिव अपना जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको अचीव करने के बाद फर्स्ट स्टेज में उसने डिक्रीज भी स्टार्ट कर दिया है। पीपीपी में भी उसने इन्फ्लेक्शन पॉइंट अटेन करने से पहले इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज एंड देन डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज। इट इज़ जस्ट एपीपी जो अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, देन ये लगातार नीचे गिरता रहेगा। फर्स्ट स्टेज के एंड में या सेकेंड स्टेज के स्टार्टिंग में इट विल बी इक्वल टू एमपीपी एंड देन उसके बाद इट बिगिंस टू डिमिनिश एंड इट विल कंटिन्यू टू डिमिनिश। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एपीपी नीचे गिर भी रहा होगा तो यह कभी भी जीरो अटेन नहीं करेगा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। टू वी नो दिस कि एपीपी हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में एपीपी जीरो हो जाता है या नेगेटिव में चला जाता है, तो दैट विल बी नॉट फीजिबल, ये आंसर नहीं होगा। उसमें जहाँ कहीं भी आपको दिया होगा कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल या ये नहीं होता है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एपीपी हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब हम इसको ग्राफ में भी देख लेते हैं, यही सेम चीज़ बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे उसने बताया एपीपी इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज के एंड में या सेकेंड स्टेज की बिगिनिंग में इट इज़ इक्वल टू एमपीपी, करेक्ट है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। उसके बाद डिक्रीज कर रहा है और ये जीरो को अटेन नहीं करता। तो हमने ये सारी कंडीशंस देखी और हमने ग्राफ से इनको पढ़ा और सेटिस्फाई भी हुई। अब हमने लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमने इलास्टिसिटी डिफाइन करी है, हमने हर स्टेज के लिए बताया फर्स्ट स्टेज में इट इज़ ग्रेटर देन वन, फर्स्ट स्टेज के एंड या सेकेंड स्टेज की बिगिनिंग में इट इज़ इक्वल टू वन, थ्रू आउट सेकेंड स्टेज इट इज़ बिटवीन जीरो एंड वन, सेकेंड स्टेज के एंड या थर्ड स्टेज की बिगिनिंग में इट इज़ इक्वल टू जीरो एंड थ्रू आउट थर्ड स्टेज इट इज़ लेस देन जीरो। ये हम कैसे डिराइव करते हैं? हम ये रिलेशन तो एक्चुअली में इस्टेब्लिश कर रहे हैं एमपीपी और एपीपी के बीच में। बहुत आसान तरीका याद करने का, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एमपीपी अपॉन एपीपी। बट अगर आप इसको मेमोराइज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको समझ के खुद डिराइव कर सकते हैं, तो एक चीज़ आपको कम रखनी पड़ेगी। इलास्टिसिटी एक्चुअली में परसेंटेज चेंज को स्टडी करता है। तो वी नो परसेंटेज चेंज इन इनपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज इलास्टिसिटी, जो कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 अपॉन डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। जब हम इसको निकालते हैं देन वी गेट डेल्टा वाई बाई वाई अपॉन डेल्टा एक्स बाई एक्स एंड वी नो कि डेल्टा वाई बाई एक्स इज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एक्स बाई वाई दैट विल बी 1 अपॉन ए पी पी बिकॉज ए पी पी इज वाई बाई एक्स। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली देन वी विल गेट एमपीपी अपॉन एपीपी इज इलास्टिसिटी। आई विल सजेस्ट कि आप एक बार कॉपी पेन लेकर के खुद बैठिए और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट और परसेंटेज चेंज इन इनपुट के बेसिस पर इसको कैलकुलेट करिए, आपको खुद आंसर मिलेगा एंड दैट विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। नाउ दैट दिस टॉपिक इज ओवर, मैं इसको एंड करना चाहती हूँ एक क्वेश्चन के साथ, जिससे आप ये समझ सकें कि कितने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप इस टॉपिक को सही से नहीं समझते हैं। तो क्वेश्चन सेज कि सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में इनमें से कौन सी जो कंडीशंस दी हुई हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हमें पता है कि हम ये बात कर रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न की या वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस की, तो हमें पता है हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं टीपीपी एमपीपी एपीपी। अब यहाँ एपीपी नहीं दिया हुआ है किसी भी ऑप्शन में, विच मीन्स कि हम एमपीपी और एपीपी के रिलेशन को बिल्कुल साइड रख देंगे, उसको दिमाग से हटा देंगे। अब हम केवल अपने दिमाग में फोकस करेंगे टीपीपी और एमपीपी के ऊपर। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट सेज टीपीपी डिक्रीज हो रहा है, देन टीपीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, नेक्स्ट इज एमपीपी इंक्रीज हो रहा है और लास्ट इज टीपीपी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है। आप सभी को इसका आंसर पता होगा बट एक बार फिर ग्राफ देख लेते हैं जिससे आपका बेहतर रिवीजन हो पाएगा। हमसे पूछा गया है सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एज वी नो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, देन वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से
और ये जो इंक्रीज है डिक्रीजिंग रेट से कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड देन मैक्सिमम को अटेन करके हमारा डिक्रीज होने लगता है। MPP ऐसे ही फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होता है मैक्सिमम को अटेन करके देन लगातार इसमें डिक्रीज है। पूछा गया है सेकेंड स्टेज, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, PPP डिक्रीज हो रहा है वो तो थर्ड स्टेज में है तो दैट ऑप्शन एलिमिनेट्स। देन अदर ऑप्शन था हमारे पास कि MPP इंक्रीज हो रहा है वो फर्स्ट स्टेज में होता है सेकेंड स्टेज, इनफैक्ट फर्स्ट स्टेज के ही एक पॉइंट से लगातार MPP नीचे गिरता रहता है तो वो ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचा ये है कि TPP इंक्रीज हो रहा है, ये बिल्कुल सच है थ्रू आउट सेकेंड स्टेज TPP तो इंक्रीज हो रहा है, देन इट इज ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमको ये पता है कि फर्स्ट स्टेज में ही वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने के बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट को अटेन करने के बाद वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू होता है और ये चीज़ सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कंटिन्यूड रहती है जब तक कि वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को अटेन नहीं कर लेता। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी विच सेज कि TPP इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप की। मैंने आपको पहले भी बताया दीज आर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मेक श्योर आप नेक्स्ट लेक्चर भी अटेंड करें। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।